लोग जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर, तो वहाँ पे घूम के आते हैं। गाइस ये जो सिंहासन बना हुआ है ना, ये महाराजा विक्रमादित्य का था। अच्छा बड़ा स्टैचू है। और ये देखो डॉगी, कामिया हो गई जो ये फेमस थी। 30th स्टैचू सारी दुनिया बनी है। सुंदर कौन थी? देख ले चेहरा, चेहरा दिखाई नहीं आ रहा। ये सब नचनियन किया है ये सब फोटो। ये जो आश्रम है ना, संदीपनी आश्रम, यहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा जी, यहाँ पे सुदामा जी लोग यहाँ पे वो अपनी शिक्षा लेने आए थे ये आश्रम में। इस आश्रम को संदीपनी आश्रम कहा गया और अच्छा मेंटेन्ड आश्रम है यार, बड़ा भी है और अच्छा मेंटेन करके रखा गया है इसको। बिल्कुल ग्रीनरी टाइप है हर चीज़। और ये पीछे बताई गई हैं चीज़ें, यहाँ पे क्या किए थे विशेष कच्छे। ये क्या आश्रम है यार, मतलब यहाँ पास सामान मिलता है। मस्त बस हो गया, बस भैया ख़त्म। अभी एक मंदिर ये बच्चा बस एक मंदिर निकल गई ये, इसके पहले जब वहाँ चाहे मंदिर। ये कुंड है और यहाँ पे नहाते रहे होंगे, बहुत पुराना है भी। गाइस हम लोग अभी सादी पनी आश्रम से निकल चुके हैं। ये है गाइस, ये मंगलनाथ मंदिर है। जानकारी से पता चला है कि ये देश में और विश्व में एक ही मंदिर है, श्री मंगलनाथ मंदिर। लो भाई तो मस्त चला जाए, यहाँ के भी दर्शन कर लिया जाए। गाइस बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, तो देख रहे हो कैसी लाइन लगी है, बहुत दूर से लाइन लगी है। और गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, बहुत इतनी तो मतलब कहा जाए तो उज्जैन में नहीं थी, महाकाल मंदिर में जितनी मतलब
दर्शन के टाइम लगा भी गए। सबसे ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ पे दर्शन करने मंगलनाथ मंदिर में। जो यहाँ पे रास्ता है ना जिग-जैग करके है, यहाँ से घूमो फिर यहाँ पे आओ, यहाँ से घूमो फिर यहाँ पे आओ, ये बहुत ज़्यादा है। और देखो ना यार भीड़ कितनी है। तो गाइस ये था मंगलनाथ मंदिर। वैसे बहुत सारी जगह तो फ़ोटो खींचना ही मना है, यहाँ भी मना था मगर बना लिया क्या है। यह है कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अच्छा मंदिर है, जब बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर। हम लोगों ने एक ऑटो बुक कर ली है, वो हम लोग को पूरे जितने भी शहर के बाहर हैं जितने मंदिर वो सब मंदिर घुमा रहा है। तो ये अभी सेकेंड नंबर का मंदिर था। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट लोकेशन में, अब देखते हैं कौन सा मंदिर होता है। गाइस तो फाइनली हम लोग काल भैरव के मंदिर पहुंच चुके हैं, और यहां पे क्या है ना, काल भैरव को चढ़ाया जाता है मदिरा, और वो आपको हर दुकान, ये देखो तो यहाँ पे मदिरा का सेवन करते हैं भगवान प्रसाद के रूप में। गाइस यहाँ पे ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बहुत मतलब बहुत पास पास लगे हुए हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े से लग रहे हैं ये सब, बहुत क्लोज क्लोज लग रहे हैं यहाँ के बैरिकेड्स। गाइज ये देखो मतलब कितने सारे, ये मतलब ये बेचने के लिए नहीं रखे, ये सब मनोकामना के लिए बांध के गए हैं। और शनिवार भी है, सोमवार नहीं है, संडे है, ये फिर भी इतनी भीड़ है। गाइज इतनी ज़्यादा भीड़ है भैरव मंदिर पहुंचने के लिए, बहुत ज़्यादा लाइन लगी। स्टार्टिंग की थी, बहुत देर हो गई है, लगभग आधा घंटा हो गया, और अभी बीच में अटके हुए हैं, ना यहाँ के हुए ना वहाँ के हुए, लाइन ही आगे नहीं बढ़ रही है। इसके ऊपर दिए रखे गए हैं, अभी आरती के टाइम ये पूरे दिए जलाए जाएंगे। ला भैया खट्टा मीठा, हाँ 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 हाँ, नींबू सोडा गाइस पहली बार पी रहा हूँ। Thank you.
सच में यार आरती हो रही थी यहाँ पे, इतनी प्यारी आरती, इतनी प्यारी आरती यार, कसम से फुल वाइब यार। सच में गाइस गढ़ कालिका माता का मंदिर, मतलब इसकी आरती ले लो यार, बहुत प्यारी आरती है भाई, बहुत प्यारी। और मेरे को इतना मज़ा, सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को सच बताऊँ इस मंदिर में आया। चलते हैं अपन वापस इंदौर की तरफ, सॉरी इंदौर भूल गया, अभी तो उज्जैन ही जाना है, अभी तो जाना है कॉरिडोर, थोड़ा रात का भी माहौल देखेंगे, फिर उसके बाद जाया जाएगा इंदौर।